टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। श्री राम जन्म भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर आज डीएम और एसएसपी बुलंदशहर ने जिले भर के उलेमाओं के साथ मीटिंग कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की हिदायत दी। साथ ही मुस्लिम उलेमाओं से ये भी अपील की गई कि वो मस्जिद और मदरसों में लोगों को समझाएं कि आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी इस्तकबाल करें, कोई किसी भी तरह की अफवाह और अराजकता ना फैलाए। सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर गलत पोस्ट न डालें ताकि क्षेत्र में अव्यवस्था न फैले। मुस्लिम उलेमाओं ने भी प्रशासन को अपने तबके के लोगों को समझाने का भरोसा दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज ब्लॉक और तहसील स्तर के बड़े उलेमाओं को बुलंदशहर जिला मुख्यालय पर बुलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। देखिए, आपको मालूम है कि निकट भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या के संबंध में फैसला आना है, तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत जनपद के जितने भी इफेक्टिव मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को बुला के आज उस शांति सौहार्दपूर्ण माहौल को कायम रखने और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए आज उनसे वार्ता की गई। हम लोगों के तरफ से भी जो हिदायतें होनी चाहिए वो दी गई और उनका भी सुझाव लिया गया कि किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन से बचा जा सके और वो इमरजेंसी सिचुएशन आने ही ना पाया जाए, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कासमी, शहर काजी सिकंदराबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। डीएम साहब ने कप्तान साहब ने मीटिंग बुलाई थी इस परिप्रेक्ष्य में कि वो जो आने वाला जो बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला है उच्चतम न्यायालय का, उस संबंध में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम सबको जोड़ा था। यहाँ ज़िला बुलंदशहर से, सब ब्लॉक से, सारी तहसील से बड़े बड़े उलमा किराम धर्मगुरु यहाँ पर आए हुए हैं और सबके सामने ये बात रखी डीएम साहब ने कि भाई कप्तान साहब ने कि भाई उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो हम सब के लिए मान्य है, हम सबको एहतराम करना है। तो हमारे सबके ज़िले के जो उलमा के धर्मगुरु, उन्होंने सबने आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि उच्चतम न्यायालय का फैसले का हम एहतराम करेंगे, उसी कदर करेंगे, कोई इस तरह का मामला हमारी तरफ से नहीं होगा। हम अपने समुदाय को मस्जिद से और मदरसों से और अपने मोहल्ले में जाकर के सबको ये बताएंगे, समझाएंगे, ताकि सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की गतिविधि ना हो और कोई मामला इस तरह का, इससे शांति भंग हो, ऐसा कोई काम ना हो। लेकिन मैंने एक बात रखी है कि भाई अपनी तरफ से बात रखी है कि अच्छा होता, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे समुदाय के लोग को बुला करके मीटिंग करेंगे शांति के लिए, अगर अच्छा होता कि हम सब एक साथ बैठते, उससे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता और आपस में एक दूसरे की बात समझते, उससे ज़्यादा अच्छा रहता। बहरहाल जो भी व्यवस्था है वो डीएम साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं। वहीं मुस्लिम उलेमाओं ने प्रशासन को सुझाव भी दिया कि अगर ये मीटिंग हिंदू भाइयों के साथ होती तो प्रभाव अधिक होता। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।